पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 165 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक देश दो प्रणाली का वादा दम तोड़ चुका है विराम। और इस तरह बीजिंग ने हांगकांग की स्वायत्तता के लिए ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया है विराम। बीते सप्ताह नेशनल पीपुल्स कांग्रेस NPC अपने एक फैसले का प्रारूप लेकर आई थी, जिसका आशय हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने के उपाय करने के लिए विधिक प्रणाली और उसे लागू करने की कार्यविधि की स्थापना और सुधार से था। एक बार पारित होने पर इस फैसले से NPC की स्थायी समिति को यह अधिकार होगा कि वह हांगकांग में स्थायी विधायी प्रक्रिया की पूरी तरह उपेक्षा कर सके और हांगकांग शहर में कुख्यात राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू कर सके विराम। असल में इस कानून का मकसद हांगकांग के मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप, केंद्र सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के संबंध विच्छेद की कार्रवाई, उसकी ताकतों को कमतर करने वाले कृत्यों, गतिविधियों और आतंकवाद को प्रतिबंधित करना है। कुल मिलाकर यह कानून हांगकांग की पहले से ही कमजोर स्वायत्तता और नागरिक स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा आघात है विराम। वर्ष 2003 में हांगकांग की सरकार ने भी इसी तरह एक बिल को स्थानीय विधायिका से पारित कराने की जबरदस्त कोशिश की थी, जिसका न केवल सिविल सोसाइटी ने पुरजोर विरोध किया था बल्कि इसके चलते उसे रद्द भी करना पड़ा था। सरकार की अलोकतांत्रिक प्रकृति ने उसकी कमजोरी साबित हुई। 15 साल से अधिक समय बाद 2019 के प्रत्यार्पण रोधी बिल को लेकर हुए आंदोलन के बीच स्थानीय और केंद्र सरकार की वैधानिकता को एक बार फिर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा विराम। लेकिन अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय विभाग समुदाय के हाथ वायरस से बंधे हुए हैं, बीजिंग ने वैश्विक महामारी COVID-19 का फायदा उठाया है और हांगकांग की स्वायत्तता के खिलाफ सिलसिलेवार हमलों की मानो शुरुआत कर दी है। बीजिंग की पहली कोशिश हांगकांग में चीन को लाइलाज ऑफिस की निगरानी शक्ति को स्वायत्तता करने की रही। अब NPC हांगकांग की विविध परिषद को नाकाम कर एक देश दो प्रणाली पर हमला कर रही है विराम। इसके लिए सीधे ही हांगकांग के संविधान बेसिक लॉ के संकलंक 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को शामिल करने का विधान बनाया जा रहा है, जिसे बाद में आसानी से हांगकांग की सरकार की ओर से लागू करने की घोषणा कर दी जाएगी। विराम 2019 के आंदोलन को बरकरार रखने वाले 3 कारण थे। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, मतदाताओं की स्थानीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कोशिशें। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक के बाद एक नई कानूनी दस्तावेजों के जरिए बीजिंग ने एक और प्रदर्शनकारियों और मतदाताओं को दंडित करने की असीम विवेकाधीन शक्तियां अर्जित कर ली हैं, तो दूसरी ओर वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और इस समुदाय में हांगकांग के अहम समर्थकों से हांगकांग को अलग थलग कर रहा है विराम। हांगकांग में हुए हाल के प्रदर्शनों में चाहे वे शांतिपूर्ण रहे हों या उग्र को आतंकवाद का नाम देकर बीजिंग ने अपने अधिप्रचार की कोशिशों को तेज कर दिया है विराम। भविष्य में भी इसी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बड़ी आसानी से कहीं अधिक क्रूर विधिक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है विराम। इससे भी बुरा यह है कि कानून का मकसद स्पष्ट रूप से हांगकांग के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप से निपटना है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कोशिशों में भागीदार रहे जनप्रतिनिधि या एक्टिविस्ट न केवल चुनाव लड़ने से रोके जा सकेंगे बल्कि जेल में भी डाले जा सकेंगे। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठन और उनके कार्मिक तथा उनकी परिसंपत्तियों को भी विधि सम्मत उत्पीड़न का निशाना बनाया जा सकेगा विराम। आखिरकार बिना उचित लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया के संबंध विच्छेद की कार्रवाई स्थापित संस्था की ताकतों को कमतर करने वाले कृत्य जैसे अस्पष्ट विधिक शब्दावली बड़ी आसानी से ऐसे दमनकारी हथियारों का रूप अख्तियार कर सकती है जो अभिव्यक्ति, जनसभा और धार्मिक स्वतंत्रता समेत मूलभूत स्वतंत्रताओं और अधिकारों में दखल देने में सक्षम होते हैं। यह अब अकल्पनीय है कि हांगकांग में या चीन की सरकारों की आलोचना या हांगकांग में होने वाले आंदोलनों के लिए समर्थन का प्रदर्शन भी जल्द ही स्थापित संस्था की ताकतों को कमतर करने वाला कृत्य करार दे दिया जाएगा, जो कानून दंडनीय अपराध होगा या डरावना एहसास आखिरकार तेजी से गंभीर रूप ले लेगा। शहर में व्यापक आत्मनियंत्रण के साथ इसकी शुरुआत होगी और फिर सीमाओं के बाहर भी बाकी दुनिया में यह बिखर जाएगा। हांगकांग शहर की स्वतंत्रता, इसकी सिविल सोसाइटी की जीवंतता और ऊर्जा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों के केंद्र के रूप में इसकी भूमिका तक हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों के लिए महत्वपूर्ण रही है विराम।
इतना ही नहीं बल्कि लॉ में शामिल एक देश दो प्रणाली स्वायत्तता का उच्च स्तर और सभी के समान रूप में मताधिकार के वादों के पीछे साइनो ब्रिटिश संयुक्त घोषणा पत्र भी है जिसे अंतरराष्ट्रीय कानून में पहचान हासिल है। ऊपर से नीचे की ओर रुख वाली शासन प्रणाली में जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को बेसिक लॉ में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं वह अब हांगकांग की स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया है। इसकी मंशा अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इच्छा को मौका देने की है। विराम। ऐतिहासिक रूप से हांगकांग चीन के असंतुष्ट उदारवादियों और गैर अनुसरणकर्ताओं के लिए सुरक्षित जगह रहा है। हांगकांग में ये लोग तेजी से अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं, चीन को आईना दिखाने का काम करते रहे हैं। वायरस के कहर के बीच चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करने वाले राष्ट्र के रूप में अपना असल रंग दिखाए हैं। बीते साल भी हम चीन के अतिक्रमणकारी अधिकारवादी के खिलाफ मोर्चे पर सबसे आगे खड़े रहे। पूरी गंभीरता के साथ हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चीन की ओर से दिए जा रहे आर्थिक लाभ के आगे झुकेगा और मानवाधिकारों के आगे आत्मसम्मान का बलिदान नहीं करेगा। वायरस के चलते जो आर्थिक मंदी आई है उसका समाधान कतई भी चीन के आक्रमणकारी अधिकारवादी के आगे हार मान लेना के रूप में समान नहीं आना चाहिए। विराम। कारोबार समान और स्पष्ट शर्तों पर होता है न कि डरा या धमका कर। अमेरिका सरकार से हमारी अपील है कि वह हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र अधिनियम को लागू करते हुए चीन की प्रतिबंध लगाए और चीन के साथ कारोबार से जुड़ी जो भी संधियां करे उनमें हांगकांग को लेकर मानवाधिकार के पालन संबंधी शर्तों को शामिल करे। एक बार फिर यह हमारी पुकार है कि पूरी दुनिया हांगकांग के लोगों की स्वतंत्रता के पक्ष में आगे कदम बढ़ाए। विराम।